मिल जाए हमारा। इसमें ऑयल डाल दूंगी। कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो इसमें दो दो करके जो है फ्राई होगा, और बस ऑयल थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि फिर ये ऑयल जो है वो हंडिया में ही डलेगा, इसमें और कुछ फ्राई नहीं हो सकता। तो जिन पे मैंने कट लगा ली है वो पीसेस में अब तक तक फ्राई कर लूँगी, उनका कलर चेंज करेंगे, फिर उसके बाद इनको मैरिनेट जो है ग्रिल पैन पे इसको पका लेंगे। चावल जिनके हैं वो भिगो के तभी रखूंगी क्योंकि साफ के साथ ही मेरे बाहर से रखूंगी। अच्छी तरह से कलर आने तक हम चाय करेंगे। तो इसके कलर चेंज होने तक ना हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे बहुत सब लेकिन आगे तो करना है अभी। कलर से ज़्यादा नहीं करूँगी जिनके मैंने अभी उसको ग्रिल भी करना है, तो ग्रिल में भी ऑलरेडी ये पकेगा ताज़ा। मुझे हाथ बंद कर दी हमने और हाथ बंद हम ग्रिल करने का Thank you.
भी चिकन हमारा गर्म हो गया, फ्राई हो गया, चिकन भी खाने वाला है। मैं इसको भी निकाल लूँगी और बस अब एक रह गई है, उसको फ्राई करते हैं और फिर हम मेरीनेशन भी कर देंगे। ये देखें कलर इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, फिर ये हार्ड हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी अभी हम इसको ग्रिल पे हमने फ्राई करना है। तो ये बस लास्ट ही ये फ्राई हो गया। तो स्टील तो हो रहा होगा, कितने छींटे उड़ा रहे हैं। स्टील आ रहा है, फिर इसको फ्राई करने के बाद मैरिनेशन भी कर सकते हैं। ये अब सारे पीसेस डन है, देखें इसको हमने हाफ डन कर लिया, हाफ को खो गए ये। अब हम इसमें मसाला मैरिनेट करने के लिए लगाते हैं। तो एक कटोरी लिए, उसमें ये लहसुन अदरक की पेस्ट, मेरे पास है सीख इसका मसाला, ये ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, हरा मिर्च, काली मिर्च थोड़ी सी, ये खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, और लेमन जूस, लेमन है तो लेमन, नहीं तो सिरके से भी काम चल जाएगा। बहुत ही जूसी मसाला आज बनाया है, लेमन बीच नहीं था भाई, बीच नहीं है। जो सारा मसाला है इसमें लेमन भी है, लहसुन अदरक की पेस्ट जो हमने सारे मसाले ऐड किए हैं, इसको अच्छी तरह से हिला के हाथों की मदद से अपने चिकन के ऊपर ऐड कर देंगे।
इसको जूसी बनाने के लिए स्टीम भी दे सकते हैं कुकर में डाल के, आपकी मर्जी है। मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा इसको मैं भी मैरिनेट करके रखती हूँ, तो साथ में मैं इसमें थोड़ा सा कोयले का धुआं लगा दूँगी। खुला सा करके हमने इस पर मसाला डाल दिया। सब पे हाथ फेर देंगे, ये भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा जितनी देर में हम इसको कोयला का धुआं लगाने के लिए कोयला चूल्हे पे रखती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको स्टीम देके डन करके दिखाती हूँ। कौन उतनी देर तक रख देंगे मैरिनेट करके जितनी देर में हम अपने चावल रेडी करते हैं, तो चावल रेडी होंगे फिर हम इसको आस्ते आस्ते ग्रिल पैन पे पका देंगे। कोयला मैंने रखी है, तो अब वो कोयला जब हो जाएगा तो मैं फिर इसको धुआं देती हूँ। चावल निकाल लिए हमने, दो प्याले तकरीबन लिए, इसको मैं धो लेती हूँ अच्छी तरह से। ये है नया चावल है तो ये ज़रा कम भीगते, इसको मैं भिगोती हूँ और फिर उसके बाद हम अपने राइस बनाते हैं सादे। अब ये चावलों की तैयारी कर रहे हैं तो हमने दो अदर प्याज दिए, ये देखें ज़रा इसलिए मुझे प्याज ज़्यादा ला के रखना बहुत नापसंद है कि थोड़े दिनों में ये हलाक हो जाते हैं। मैं इसको वॉश अच्छी तरह से करके तो फिर स्लाइसेस में कट करती हूँ। सिंपल चावल बनाएंगे क्योंकि हम उसमें डालेंगे ऊपर से मतलब के रखेंगे ये चिकन पीसेस, और शामी कबाब मेरे पास पड़े हैं तो हम शामी कबाब पे रखेंगे। तो साफ के साथ धोते जाएँ तो ऐसा लगता है कि बर्तन ही बर्तन है, बस खाना कम है और बर्तन ज़्यादा है। यह बस प्याज के साथ लूँ,
प्याज इतना बहुत। पैन अपने पॉट में हमने प्याज ऐड कर दिया, प्याज में थोड़ा सा ये ऑयल और जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था थोड़ा सा ऑयल में उसका डाल दूँगी जिससे थोड़ा फ्लेवर आएगा चिकन का। प्याज का कलर चेंज होगा फिर से टमाटर लहसुन आएंगे मसूर आएंगे और सारे रेडी कर उसके मसाले आपको चले सकते हैं। पैन अपने पॉट में हमने प्याज ऐड कर दिया, प्याज में थोड़ा सा ये ऑयल और जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था थोड़ा सा ऑयल में उसका डाल दूँगी जिससे थोड़ा फ्लेवर आएगा चिकन का। प्याज का कलर चेंज होगा फिर से टमाटर लहसुन आएंगे मसूर आएंगे और सारे फिलहाल रेडी कर उसके मसाले आपको चले सकते हैं। कलर देंगे क्योंकि कलर आएगा तो वही मजे का लगेगा तो इसको थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया और मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर की पेस्ट, टमाटर नहीं है साबुत।
यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और अब मैं इसमें पानी उबलने के बाद चावल ऐड करूँगी। पानी इतना ही लूँगी क्योंकि चावलों का भी पानी उसमें जाएगा। पानी उबल चुका है, मैं अपने इसमें राइस डालूंगी, फिर इसको दम दे दूंगी और फिर जब ये राइस रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। अब चावलों को ये अब जब रेडी हो जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए भाई, मैंने ग्रिल पैन में ऑयल डाला, ऑयल डाल के मैंने अपने ये टिक्के रख दिए हैं फ्राई में। ये अपना पकते रहेंगे, इतनी देर में हम अपना कोई और काम कर लेते हैं। तो मैं जब ये रेडी होते हैं तो आप मुझे फाइनल पानी में खाते हैं। ये हमारे राइस की फाइनल लुक है, ये चिकन हमारा रेडी हुआ और साथ ये राइस। और मैंने ये शामी कबाब की रेसिपी शेयर की है, इंशाल्लाह आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।